सो हाय गाइज, आई एम सी एस खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, दो जिन्होंने अभी अभी डी टीम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स है, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स हो ना आप लोग? अंशिका बताएगी। सर वी आर ऑन अ ब्रेक बट वी आर वी अच्छा, वर इन लोग का थोड़ा सा, इन वी लोग का विल थोड़ा सा, बी हाँ एक मिनट, इन लोग का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है थोड़ा सा, ठीक है समझ गया मैं। बट वो बात साइड में, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने साथ में पढ़ाई करके बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। महक ने स्कोर किया 77 मार्क्स और अंशिका ने 81 मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। तो आज मैं इनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ और आज हम इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया, कैसे इन्होंने क्या पढ़ाई की और कैसे साथ में खुद को एक दूसरे को मोटिवेट किया सो दैट इन्होंने साथ में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। सो हाय गाइज, वेलकम टू द इंटरव्यू। हाय सर। थैंक यू सो हाय। सो मुझे बताओ पहले महक, आपने 77 स्कोर किया, तो आपने इमेजिन किया था कि आप इतना स्कोर करोगी या फिर कैसा, क्या प्लानिंग था, मतलब क्या रिएक्शन था इससे, मतलब स्कोर देखने के बाद? सर। मैं तो स्कोर देख के मुझे ऐसा हो गया था कि ये मेरे मार्क्स है, बिकॉज उससे पहले मतलब रात को ही रिजल्ट से पहले मैंने पापा को बोली थी मेरे को बस 45-45 चाहिए आईडीटी और डीटी में। मेरा इलेक्टिव एग्जाम था तो आई जस्ट वॉन्टेड टू पास, तो मेरे को बस उतने मार्क्स चाहिए थे। और फिर मैंने स्कोर देखा एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव इट, बिकॉज डी टी बींग अ सब्जेक्ट जो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं 36 पर आकर ना रह जाऊँ, तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड। मतलब तो आई वॉज ऑन क्लाउड 9 जब वो मार्क्स देखे ना, वो तो मतलब इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। 77 तो वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। क्या बात है। और अंशिका आप क्या है, 81, तो आपने एक्सपेक्ट किया तो था? सर नॉट रियली एंड नॉट रियली क्या, नॉट एट ऑल। फॉर मी इट वॉज लाइक कि पास हो जाओ डी टी में, दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ। तो ठीक इट है। वॉज द एक्सपेक्टेशन कि पास होना है बस। तो आई विल टेल यू गाइस कि स्टार्टिंग में जैसे आप लोग हो वैसे ही ये लोग थे, मतलब मैंने ये क्यों पूछा इनसे, बस इतना बता रहा हूँ कि हम लोग उतना एक्सपेक्ट करते भी नहीं डीटी में, राइट, कि इतने मार्क्स भी आ सकते हैं, बट इतने मार्क्स आ सकते हैं अगर आप पढ़ाई वैसे करोगे। एंड थोड़ा सा लग भी साथ में चाहिए था कि पेपर अच्छा आ जाए, इस बार पेपर थोड़ा सा कंपेरेटिवली अच्छा था, बट फिर भी उस पेपर में इतने मार्क्स स्कोर करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, इज़ वेरी कमेंडेबल आई विल से, ठीक है। मतलब 77-81, मतलब इन्होंने अच्छा लिख के आया है, ISA फ्री में मार्क्स नहीं देता, यू यू नो दैट, ठीक है, आप सबको पता है ये बात। तो इन्होंने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लिखा है, अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से प्रिपरेशन की, तब इतने मार्क्स आए। बट आई एम टेलिंग यू कि विद द राइट प्रिपरेशन, विद द राइट गाइडेंस, यू ऑल्सो कैन स्कोर इतने मार्क्स, ठीक है। तो आप जो भी वहाँ बैठे हो ना, तो मतलब खुद पे थोड़ा बिलीव करना चालू कर दो कि भाई हाँ इतने मार्क्स आ सकते हैं, टारगेट तो कर सकते हैं, इतना अपन 80+ टारगेट कर सकते हैं, भले ही 65 आए, भले ही 55 आए, बट अपन टारगेट तो 80+ कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो महक और अंशिका आप बताओ, आप लोग कैसे पढ़ते थे साथ में, मतलब मुझे जानना है, और आपने क्या यहाँ पे आना मैनिफेस्ट किया था कभी? ये तो एक्चुअली हाँ महक आप बताओ। बोल बोल बोल। देखो मैनिफेस्ट तो आई डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टेशन अलॉट, मतलब मुझे लगता है हार्ड वर्क, यू डू योर हार्ड वर्क एंड डेस्टिनी वुड प्ले अ रोल इन दैट। बट ये तो हमने करा था, मतलब आई रिमेम्बर आई शोड अंशिका दिस इंटरव्यू, आपने वो जो बेस्ट फ्रेंड्स का नहीं लिया था इससे पहले वाले अटेम्प्ट में, एंड आई टोल्ड हर आई एम लाइक नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, ये तो हम पक्का कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट वॉज डेफिनेटली नॉट माइंड, बिकॉज वी वर प्रिपेयरिंग टुगेदर और हमारा ग्रुप 2 ही रह गया था, तो यू आर लाइक क्लियर करके मस्त SISCA वाला इंटरव्यू देंगे। सो आई टोल्ड हर, शी लाव्ड, आई एम लाइक तू देख लियो ऐसा तो होने वाला है। तो अच्छा, इट एक्चुअली हैपेंड, तो हाँ वो बहुत ही अच्छा चीज है। तो ये तो वर्क मतलब सीरियसली। क्या बात है। वो जो मैंने इंटरव्यू लिया था उसमें बहुत मजा आया था मुझे भी, वो राज ने कुणाल थे, उन्होंने भी साथ में 15-20 दिन पढ़ाई की थी, एंड दे स्कोर्ड 45 एंड 70 नहीं 68, राइट। एंड वो तो ठीक है, बट आपने उनको भी टॉप कर दिया, आप दोनों ने स्कोर अच्छा किया 77-81। तो आपने दोनों ने सेम सेट ऑफ स्ट्रेटजीज मोस्टली फॉलो की है, राइट। तो चलो, आप कैसे पढ़ते थे बताओ मुझे, मतलब महक आप बताओ, मतलब अंशिका ओके से, मैं अंशिका से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, अंशिका से अपन ने एक इंटरव्यू ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है, बट मुझे उसके बाद पता चला कि इन लोग ने साथ में पढ़ाई की है पूरी। तो महक आप ये तो बताओ, साथ कौन में पढ़ाई थे? कर कैसे चालू किया आपने, और बताओ चलो। तो अंशिका बोल रही ना, हमने एक्चुअली ग्रुप 1 भी साथ करा था, तो ग्रुप 1 में आई वाज एक्चुअली एट थर्ड प्लेस, अच्छा तो हम 3 महीने साथ रहे थे एंड देन वी अच्छा यूज टू स्टडी टुगेदर। ओके तो शी एंड ऐसा अंकल आंटी हैज बीन लाइक रियली काइंड इनफ, तो फिर अच्छा वो मैं उसी के घर थी 3 महीने, तो विच वॉज वेरी वियर्ड क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा था कि ऐसे किसी के घर कौन जाता है, ये है वो है। तो बट दैट वर्कड आउट मैजिकली फॉर अस, अच्छा क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते थे और कुछ नहीं करते थे, तो हम 12-12 घंटे सिर्फ पढ़ रहे होते थे और वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू। बट इस अटेम्प्ट में वो पॉसिबल नहीं हो पाया था कि ऐसा ये यहाँ आए या फिर मैं वहां जाऊँ,
सो व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि हम लोग पूरा टाइम वीडियो कॉल पे पढ़ाई करेंगे, कि हम अच्छा अपने आप को म्यूट कर देते थे, लाइक व्हाट्सएप कॉल करा और फिर हमने एक दूसरे को म्यूट कर दिया और अपना अपना पढ़ते रहते थे. बट वी हैड अ टारगेट कि उससे होता था कि एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एक दूसरे से पूछ लिया, और एक दूसरे से पूछ लिया कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. तो आई गेस दैट केप्ट अस गोइंग, क्योंकि वी नेवर वेस्टेड टाइम, या वी नेवर हैड टाइम के ऐसा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि दूसरा बंदा भी सामने कॉल पे बैठा है, कितना टाइम वेस्ट कर लोगे. अगर वो हाँ करेगी तो मैं बोल दूंगी, मैं करूंगी तो वो बोल देगी, अच्छा तो वैसा होता था. तो आई थिंक योर कंपनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मतलब मुझे तो ये सही में लगता है, क्योंकि मैं इतना ना पढ़ नहीं सकती हूँ, बट अंशिका कैन. वो 12 12 घंटे आराम से वो स्ट्रेस में पढ़ लेगी, और मेरे को होता है कि भाई मेरे को जाने दो. तो आई थिंक दैट आई लर्न फ्रॉम हर कि एक तो पढ़ लो अच्छे से, डू सैक्रीफाइस दिस, एंड द सेकेंड थिंग इज कवर एवरीथिंग. दैट वॉज वन थिंग. मतलब डोंट डू एबीसी एनालिसिस, डोंट फॉलो इन दैट ट्रैप एटलीस्ट. जैसे मैंने पहले पढ़ रखा था तो मुझे पता था कि क्या है एबीसी एनालिसिस, बट शी नेवर केयर अबाउट इट. चीज लाइक सब करना है तो मतलब सब करना है. उसके पीयर प्रेशर में मैंने सब करा. जैसे अब अच्छा एमटीसी वेब्स वगैरह मुझे हाँ बहुत हाँ अजीब लगते हैं, बहुत गंदे टॉपिक्स है हाँ वो, हाँ बट हाँ वो करने लग गई तो मुझे करना पड़ा कि अच्छा यार अब ये कर रही है तो ऐसा कैसे चलेगा. तो आई थिंक योर कंपनी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो हमारा ऐसा ही होता था कि हम साथ में डेली पढ़ते थे, एंड वी यूज टू बी लाइक वेरी कंसिस्टेंट. लाइक आई थिंक 3 मंथ वी वर वेरी कंसिस्टेंट विद आवर स्टडीज. हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ पढ़ाई करी, कहीं बाहर नहीं गए, मतलब बस बस पढ़ाई कर क्या रहे थे. बात है। और मतलब ऑल्सो वन मोर थिंग, हम दोनों का इंस्टाग्राम 1 साल से डिलीटेड है. मतलब मैंने अभी कल जाके इंस्टॉल करा है उसका, मेरे को भी पता नहीं, उसने शायद अभी भी नहीं करा है. तो बट हाँ, मतलब वी डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो इंस्टाग्राम सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। तो मेरा भी ऐसी था, और हम भी जैसे आप लोग की बात से मैं बहुत रिलेट क्यों कर पाता हूँ पता है क्या, मैं और मेरा एक दोस्त आशुतोष, हम लोग साथ में ऐसे ही पढ़ते थे रोज़। मैं उसके फ्लैट पे जाके पढ़ रहा हूँ, वो मेरे फ्लैट पे आके पढ़ रहा है, और पूरे टाइम हम साथ में बैठ के पढ़ते थे। और अगर वो टाइम पास करा तो मैं बोल दूंगा, मैं टाइम पास करूँ तो वो बोल देगा। और अगर हमको टाइम पास करना भी है मान लो, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता था उससे कभी कभी, कि भाई जैसे मैं फ़ोन में बात कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, तो कभी थोड़ा बहुत फ़ोन में बात करता था ना मैं, तो कभी कभी झूठ बोल के बात करता था, भाई पढ़ने जा रहा हूँ, फ्लैट पढ़ने जा रहा हूँ अपने। तो क्योंकि उतना डर था कि भाई अगर मैं करूँगा तो वो भी टाइम पास करेगा, तो डर रहता था हमेशा से। तो वो बहुत हेल्प करता साथ में पढ़ने में, तो यार वेरी नाइस। और आपने दोनों ने रिविजन्स, नंबर ऑफ रिविजन्स कितने किए मुझे ये बताओ आप लोग। सेम ही कर रहे हैं हमने, और मतलब जितने उसके रिवीजन उतने मेरे रिवीजन, क्योंकि तो हम सारा चीज प्लान करके, उसके और उसके कितने, 5 रिविजन्स, दोनों के 5 रिविजन्स। फाइव रिवीजन और व्हेन आई से फाइव फाइव एवरी, मतलब स्टार्टिंग से लेके वो एग्जाम तक का, पूरे एंड तक का. तो फाइव हाँ मतलब रिविजन्स। हाँ बोलो बोलो बोलो। हमारा ऐसा हो गया था कि आफ्टर अ पॉइंट ना वी लॉस्ट काउंट ऑफ रिविजन. वी वुड लाइक कितना करेंगे, और पूरा टाइम तो यही करते रहते हैं कि अब डीटी आईडीटी पढ़ते हैं, शी वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आईबीएस, तो अपना आईबीएस भी करती थी साथ में. तो हमारा ऐसा हो गया था कि मतलब ऐसा नहीं था कि 5 सारे चैप्टर्स की 5 5 रिविजन हो गई थी, बट ऑलमोस्ट आई थिंक 70% चैप्टर्स भी कवर्ड, ऐसा एटलीस्ट 5 रिविजन हमारा हो गया था, दैट अच्छा इंक्लूडिंग योर क्लासेस ऑल्सो. मतलब उसमें वो भी आ रहा है. बट वही कि आई थिंक विद डीटी द प्रॉब्लम इज कि इतने सारे रेट्स है ना, तो यू हैव टू डू क्यूमुलेटिव रिविजन. तो हमारा होता था कि डेली डीटी करना ही करना है. बहुत कम हुआ था कि हमने डीटी छोड़ा है, कि कभी सिर्फ आईडीटी कर रहे हैं, कि अब जैसे 5 दिन आईडीटी को दिया स्टेटमेंट, तो सिर्फ 5 दिन वो करना है, बट अदरवाइज वी ऑलवेज केप डीटी विद अस, वी वर वेरी स्केयर्ड ऑफ डीटी. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प अस, कि वो 3 महीने सिर्फ डीटी 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 पढ़ा बस, और वो आप ही की वीडियोज देखते रहते थे पूरा. मतलब डिनर भी कर रहे हैं तो वीडियो चल रही होती थी, मैं पापा के साथ भी आपकी वीडियो देख रही होती थी. पापा बोले लाइक क्या करा रही हो, लाइक चलो कोई नहीं, अब आधा घंटे कर लो चलेगा इतना. तो दैट वी यूज टू डू. क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ एक बात, जैसे आप लोग वीडियो कॉल पे कैसे वीडियो देखते साथ में? अच्छा सर आप। वीडियो अपना अपना देखते थे लैपटॉप पे, हम वीडियो कॉल पे फोन से रहते थे. सो अच्छा इट्स लाइक फोन 24/7, मतलब 24/7 नहीं, जितना भी आवर्स हम पढ़ते हाँ थे हाँ उतना आवर्स फोन ऑन रहता था. व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल या मीट पे कर लिया, और लैपटॉप से अपनी क्लासेस करते थे, बट वो स्विच करते रहते थे. अगर हमें फोन से कुछ कंटेंट देखना है तो फिर लैपटॉप पे डाल दिया एक दूसरे को, फिर लैपटॉप से देखना है तो फोन पे डाल दिया. हम ऐसे स्विच करते थे ताकि थोड़ा कंसिस्टेंट रहे और डिसिप्लिन रहे, क्योंकि सर मेरे मतलब हम लिए इट वॉज पढ़ते वेरी अलग अलग ही नेसेसरी. थे। हाँ हाँ सेम, मतलब हम पढ़ते अलग अलग ही थे, और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यार, हम साथ में नहीं पढ़ते थे, हम सो जाते थे. लाइक स्लीपिंग वॉज अनदर थिंग, वो तो आई थिंक फाइट करना बहुत डिफरेंट था. तो वी वर डूइंग ऐसा, मतलब हमने क्लासेस आपकी सेपरेटली परचेज करी थी, हमने सब कुछ सेपरेटली करा था, बट इन द एंड ऑफ द डे वी आर अकाउंटेबल टू ईच अदर, कि कर रहे हैं तो साथ में कर रहे हैं. तो ऐसे हम भी यूज टू स्टडी, क्योंकि हर बंदे का अपना पेस होता है. तो आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि आप स्क्रीन शेयर करके सारी वीडियोज देख हाँ लो, वो भी समझ गया। पॉसिबल नहीं हो पाता, हाँ कि आपको कितना टाइम लग रहा है किसी चीज में, या मुझे किसी चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बट हाँ आप वीडियो कॉल पे रह सकते हो, वो थोड़ा वो अकाउंटेबिलिटी खुद उतनी को करनी एक पड़ती दूसरे को है. मोटिवेट करते रहो,
टारगेट देते रहो एक दूसरे को, हाँ तो वो हो जाता है। मतलब देखो यार, दोस्त लोग जनरली क्या होते हैं, अपन लोग क्या करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, टाइम पास करते हैं, पर इन लोगों ने अपनी दोस्ती को बहुत बढ़िया यूटिलाइज किया, और साथ में इन लोगों ने दोनों ने क्लियर किया, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब और क्या चाहिए दोस्ती में, इसको तो बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं। सर अब तुम इसमें बेस्ट फ्रेंड्स बोलने तो में तुम लोग भी सर हिचकिचा रहे हो, तो मतलब क्या है, मतलब क्या मेरे को अच्छा लड़के बैठी हुई है। नहीं अच्छा लड़ रहे हैं। सर मैं वो हिचकिचाई सर लड़के बैठी हुई है और कुछ नहीं है। अच्छा अभी वो ऐसी करेगी, अभी वो एक महीना और ऐसी रहने वाली है। अच्छा सर नाइस मुझे नाइस। एक चीज बोलनी थी, मतलब हाँ जैसे हम पढ़ते थे ना, मेरे लिए ऐसा था कि मैंने 3 साल का आर्टिकलशिप करा, मेरा पढ़ाई से टच एकदम खत्म हो चुका था। ठीक है, सो फॉर मी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट अगेन, मतलब स्टार्ट, और वो भी कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ। तो व्हेन मैं केम टू माय प्लेस, मतलब आए, ऐसा काफी मनाया मैंने उसको कि भाई आजा आजा, मम्मी से बात कराया, पापा से बात कराया, सबसे बात करा के मैंने उसको बुलाया। सो इट वॉज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि व्हेन यू हैव अ स्टडी पार्टनर हु इज फिजिकली स्टडिंग विथ यू, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई मेहनत नहीं करी है कंटेंट वाइज, रिसोर्सेज वाइज। मैं एक बार ऐसा प्लेट में लाके देती थी कि ये खाना है आज। समझ गया। ओके, तो इन दैट वे, मतलब इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। हाँ क्लासेस का भी महक ने आपको बताया था, आपने बताया थे लास्ट इंटरव्यू में। हाँ मैंने तो आपको बताया था ना कि शी ओनली टोल्ड मी अबाउट यू। तो इसलिए मैंने अपनी R&D ना पहले से सब फैकल्टी से कर रखी थी, उसने कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ वो चीज वो A to Z कॉपी करी है कि इसमें तो मैं दिमाग लगा ही नहीं हूँ, ये तो बस चलेगा, ये तो जो मैं बोल रही हूँ हो रहा है। सर मेरे को IBS में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, मुझे खुद से क्योंकि पढ़ना आईबीएस था। मेरा एग्जाम था, तो शी हैड टू अच्छा डू इट ऑल अलोन। तो बट क्या बात है यार, मेरे नाइस। को बहुत मजा आ रहा था सर, आई वाज लाइक अच्छा है कुछ कहीं तो R&D कर, तो मजा आ रहा है मुझे, ये तो मेरे को तो देख के बहुत मजा आ रहा था। आई वाज लाइक क्या वेरी एंजॉयिंग दैट फेज। बात है, चलो बहुत बढ़िया। और मुझे बताओ एक बात कि DT में जनरली आपको क्या लगता है, जैसे महक आपके दूसरा अटेम्प्ट होगा, हाँ जी सर, तो यस, आपके पहले कितने आए थे मार्क्स, कैन आई नो? अराउंड 36 और 36 और 40 के बीच में। आई वाज नॉट एबल टू पास एक्चुअली। 36, वहाँ 77 यार, नाइस जंप, मतलब वेरी नाइस। अंशिका आपका तो फर्स्ट टाइम था शायद DT का, ग्रुप टू का यस फर्स्ट सर, टाइम था, तो वेरी नाइस। तो महक मुझे बताओ एक बात कि जैसे 36 आए आपके और 77 आए, तो बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होंगे जिनके पहले मार्क्स कम आए, मतलब इस बार मार्क्स कम आए और वो स्कोर करना चाहते हैं ज़्यादा, 70+, तो वॉट शुड दे डू, क्या स्ट्रेटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए, आप बता दो। पर एक तो ना मुझे लगता है कि पहले तो पीपल शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दे वांट टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप्स। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बोथ ग्रुप्स देंगे, चाहे हमारे पास टाइम उतना ही हो एक ग्रुप पढ़ने का, और उस चक्कर में ना एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हो पाता। तो आई थिंक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई मेड दैट मिस्टेक, दैट आई डिसाइडेड टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स, जबकि आई डिड नॉट हैव मच टाइम बिकॉज आई वॉज डूइंग माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज वेल एज दैट टाइम। तो मुझे लीव इतनी ज्यादा नहीं मिली थी, और ऑलरेडी वो बहुत हेक्टिक रहता है, मतलब ऑफिस में आई वॉज वर्किंग लाइक 10+ आवर्स एवरी डे। तो उस टाइम आई थिंक पहले तो वो क्लियर एक स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी कि इट्स ओके अगर आपके 2 अटेम्प्ट्स लग रहे हैं और आप अलग अलग करके ग्रुप दे रहे हो, इट्स इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मतलब एटलीस्ट आपका क्लियर हो रहा है। तो मेरा उसमें एक गलती यही हुई थी दैट आई वॉज वेरी एडमेंट कि मुझे 2 ग्रुप्स देने हैं साथ में, तो वो एक चीज, एक मिस्टेक थी विच आई रेक्टिफाइड इन माई नवम्बर अटेम्प्ट, एंड आई ओनली प्रिपेयर फॉर ग्रुप 1 की ठीक है अभी छोड़ देते हैं। मतलब मैंने ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रखा था एंड आई डिड सेल्फ मेरा, मतलब एट दैट टाइम ऑल्सो आई रेफर्ड योर रिविजन वीडियोज, योर लेक्चर्स, और मेरे पास आपका मटीरियल था। बट फिर मैंने ग्रुप 1 पे शिफ्ट कर दिया था कि नहीं, एक फोकस करते हैं और एक अच्छे से करते हैं। तो प्लीज एक बार ना थोड़ा क्लियर, क्योंकि हम क्या करते हैं ABC एनालिसिस ना तभी स्टार्ट होता है जब हमारे पास टाइम कम होता है। तो वो फिर मैंने ना उसके लिए स्कोप ही नहीं छोड़ा था, आई डिड एवरीथिंग। तो एक तो मैंने ये अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई करी, सेकेंड थिंग इज दिस ABC एनालिसिस, आई डिड नॉट फॉलो एनी ABC एनालिसिस एट दिस टाइम। मतलब आई टुक योर क्लास स्ट्रेट अवे, क्योंकि मुझे थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन चाहिए थी। मुझे पता था कि मुझे अंडरस्टैंडिंग है DT की, बट मुझे कहीं ना कहीं मैं लैक हो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो शायद आप ना खुद से नहीं कर सकते। तो जब मैंने आपकी क्लासेस भी परचेज करी थी ना, तो जैसे कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन की इतनी सारी चीजें थी जो मैं पहले छोड़कर जा रही थी, या फिर MTC वेब्स हो गया, या बहुत सारी जैसे अपील हो गया सर, आपने अपील, सर्च और रिटर्न, मतलब अंशिका भी लग रही इतना ज्यादा अच्छा कराया था ना। हम यही बोल रहे थे कि अगर आप नहीं कराते वो चीज, या आप जो फ्लो आप अपील का बनवाते हो कि आप पहले सब कुछ समझाते हो हायरार्की, अगर वो नहीं समझाते हम डेफिनेटली वो चैप्टर छोड़ते। एंड आफ्टर वी डिड इट फॉर लाइक आई थिंक वी डिड इट मोर देन 5 टाइम्स, आई एम नॉट किडिंग, वो हमने शायद 5 बार से ज्यादा करे। तो वो जो अमेंडमेंट आई थी ना, वो 7 साल 10 साल वाली, हम इतना रोए है ना उसमें, हमें समझ ही नहीं आ रही, हम कभी स्टडी मार्ट देख रहे हैं, कभी आपकी वीडियोज रेफर कर रहे हैं। तो
बिकेम लाइक सो इजी फॉर अस ना, तो आपका वो वीडियोस देखकर. तो पहला तो यही था कि आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई विल टेक क्लासेस, और आप जो जो करा रहे हो वो अच्छे से करेंगे और उसको रिवाइज करते जाएंगे. एंड दूसरा वॉज आई स्क्रैप दैट एबीसी नाइन. मैं बोल रही ना, मतलब मेक वन गुड फ्रेंड जो सब कर रहा है, ऐसा जैसे अंशिका टॉपर बन गई है, तो ऐसा टॉपर से ऐसा फ्रेंडशिप रखू, क्योंकि वो सब करेंगे तो आप पीयर प्रेशर में सब कर लोगे. तो फिर मैंने कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ छोड़ा था, अच्छा तो दैट थिंग ऑल्सो हेल्प मी. क्योंकि ऐसा होगा ना कि आप शायद जो करके गए हो उसमें आपका पेपर ना बने, और शायद जो आप एक बारी भी देख के गए हो उसमें आपका पेपर बन जाए, तो आप हाँ डीटीसी सब्जेक्ट में ना अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ भी छोड़ने का. तो दिस इज समथिंग विच आई मेंडेड दिस टाइम, एंड दैट हेल्प मी टू स्कोर और करेक्ट, एंड ऑल्सो क्यूमुलेटिव रिविजन, की वो तो करना ही करना है मतलब. वेरी नाइस। तो अरे यार, एक और चीज़ होती है, जैसे इस बार ना पेपर कंपेरेटिवली इजी था, आई वुड से इजी था इस बार, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब पिछले 4 साल से मैंने अटेम्प्ट्स देखे हैं, एंड आई हैव सीन पेपर्स, एंड आई हैव सीन वर्स्ट पेपर्स, राइट? और वो कभी भी हो सकता है डीटी में, यस मतलब दे आर एग्जैक्टली. बीइंग जेनरस, उन लोग पिछले अटेम्प्ट भी थोड़ा सा ठीक था, ये अटेम्प्ट भी ईजी था, तो अब वो ट्रिकी देते हैं थोड़ा सा, बस दो अटेम्प्ट से ट्रिकी कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो किसी भी मोमेंट पे डिफिकल्ट कर सकते हैं डीटी। ग्रुप टू में उनको फेल करना है बच्चों को, तो डीटी डिफिकल्ट उनका फर्स्ट चॉइस होगा करने के लिए, राइट? तो वो आपने बहुत सही बात की कि एबीसी एनालिसिस फॉलो मत करो बच्चों को। वो मैं जब भी बनाता भी हूँ ना एबीसी एनालिसिस का वीडियो, तो बच्चों को बोलता हूँ, यार देखो ये फॉलो, मतलब तुमको फॉलो कैसे करना है, तुमको सी को इसमें मेन रखना है। मैं तो बोलता हूँ सी इज द मेन टॉपिक, क्योंकि वो देन यू तुमको, ऑल्सो से दैट XYZ बोलो, हम ABC भी नहीं बोलेंगे, सो दैट हाँ। वो हो ही ना. तो अरे मैं पहले XYZ बोलता था पहले उसको, बच्चों को समझ ही नहीं आया क्या है ये। तो मैं फिर अभी मैंने फिर से पिछले टाइम से बोला चलो एबीसी बोलो बच्चों को, पर बच्चों को बताओ कि भाई सी अच्छा, ही, सी जो टॉपिक्स है वही आपके मेन टॉपिक्स है। मतलब मेरे यू को ऐसा मेन लगता है मेन टॉपिक टॉपिक्स मतलब यू विल स्कोर 50, ठीक है, बट 50, 70, 78, 80 जाना है आपको तो सी टॉपिक्स ले जाएंगे, क्योंकि उसके बोनस मार्क्स होते हैं आई से एवरी टाइम। तो बहुत बढ़िया बात है। और मुझे क्वेश्चन एक और करना है कि लास्ट डे रिविजन आपने फिर कैसे किया? लास्ट डे भी साथ में पढ़ाई की? और लास्ट डे मतलब क्या पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई? तो आपका तो ग्रुप टू था, दोनों का ग्रुप टू था, तो यू गॉट 4 डेज, राइट? हाँ, हाँ, तो 4 डेज में फाइव कैसे डेज प्रिपरेशन की वी बताओ। हैव केप्ट 5 डेज. 5 डेज, हाँ बताओ कैसे किया 5 डेज। सर हमने दो रिवीजन करा था, और हमने लास्ट डे एग्जाम दे वाले दिन भी हमने एक बार पूरा गो थ्रू करा था. सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमारा लास्ट टू रिवीजन के पहले वाला रिवीजन था, उसमें हमने क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लिए थे कि हर चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन मैक्स. मतलब हमने खुद को बहुत रिस्ट्रिक्ट करा था कि अब इससे ज्यादा नहीं जाना है प्लीज, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो प्रैक्टिकली. तो हमने ऐसा करा था कि 2-3 क्वेश्चन इंडेक्स में मार्क कर लिया, कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है पूरा पूरा, कॉन्सेप्ट में नो मतलब कमी, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चंस हम सिलेक्टिव बेसिस पे रख रहे थे, और जो हमें लग रहा था क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, जो कि हमारे उस सिलेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं आ रहा था, उसको हमने नोट कर लिया था, उसके पॉइंटर्स नोट कर लिए थे. तो हमारे पास एक शीट था जिसमें हम थोड़ा थोड़ा अपना क्वेश्चन के बेसिस पे समरी बना रहे थे. तो वो हमने, मतलब मैंने क्या करा था उसको पढ़ने के लिए, जब एग्जाम सेंटर पे जाते हैं रास्ते में गाड़ी में बैठते हैं, तो मैंने वो पेजेस उठा लिए थे, वो पेजेस पढ़ने के लिए. तो प्लानिंग हमारी ऐसी थी कि दो रिवीजन वैसे हो जाएगा और एक रिवीजन एग्जाम डे वाले दिन हो जाएगा. और हमने एग्जाम डे के पहले भी आरटीपी एमटीपी रेफर करा था, जो हमने ऑलरेडी एक बार कर रखा था, उसके भी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस. ठीक है। और बट एग्जाम, उसमें, हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं बोलो। अच्छा, बट उसमें एक चीज हुई थी दैट, मतलब इवन अंशिका नोज दैट, कि हमने दो रिवीजन प्लान करी थी बिकॉज वी हैड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, बट आई गॉट सिक. एंड अच्छा मतलब मैंने मैंने डीटी को ना ऐसा 8 दिन अलॉट करे थे, क्योंकि मेरा हाँ खुद था कि मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था डीटी में. तो वही जो हमने दो रिविजन ऐसे प्लान करी थी कि 8 दिन ऐसा 2 बार कर लेंगे रिवाइज. आई वॉज कमिंग टू डेली, मैं कहीं बाहर थी, एंड आई गॉट सिक, एंड आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर 3 to 4 days स्ट्रेट. मतलब क्या मेरी बात है, इतनी तबीयत खराब थी कि मतलब आई वॉज टेकिंग लाइक 8+ मेडिसिन अ डे. मैं इतनी मेडिसिन ले रही थी, और मेरा बिल्कुल मुझसे, मतलब आई यूज टू ऐसा कट द कॉल, मैं इतना इरिटेट हो रखी थी कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही थी. मैं घर पे ऐसा बिल्कुल रूम बंद करके, बिकॉज आपकी हिम्मत नहीं होती. लाइक आई हैड 102 फीवर ऑल्सो, एंड वो एक सब चीजें ना एक साथ हो गई थी, और उस टाइम मुझे इतना बुरा लग रहा था, बिकॉज आपने जब इतनी मेहनत करी होती है ना, और एकदम से ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर आपको लगता है कि यार. और डीटी में इज मोर कि आपने अगर लास्ट डे रिवाइज नहीं करा ना, तो यू माइट लूज द पेपर. तो आई वॉज लकी एनफ कि एट आफ्टर दैट ऑल्सो आई हैड 3 to 4 days टू प्रिपेयर. तो फिर देन एवरीबडी, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, अंशिका, एवरीबडी मोटिवेटेड कि नो बडी कैन टेक अ 3 months फ्रॉम यू. लाइक तो आपने 3 months तो पढ़ा ही है, तो वो सही अगर बात है। अच्छे से करे तो हाँ,
तो वो आई थिंक आई हैड दैट कॉन्फिडेंस. फिर मेरा था कि पहले ठीक है, पहले नोट्स फोकस करो, समटाइम्स थिंग्स डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान. फिर जो नोट्स फोकस करो और जो हमने क्वेश्चन का लिस्ट बना रखा था आपके, हमने सही में सर ऐसे कट करे थे ना क्वेश्चन, क्योंकि हम हर रिविजन में से डिसाइड करते थे कि अब नहीं देखेंगे अब नहीं देखेंगे. फिर मैं उससे पूछती थी तूने देखा है, वो बोलती थी हाँ ऊपर ऊपर से देख लिया है, फिर मैं भी ऊपर ऊपर से देख लेती थी. अब उसमें हमें इतना टाइम लग जाता था कभी कभार तो. बट हाँ एक चीज मतलब ये आई थिंक थोड़ा सा हमारा वीक रह गया था कि हमने ना क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं करे थे. लाइक पीपल से कि यू शुड हैव इधर 50 और 100 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन आप कितने दिन में प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर अटेम्प्ट. तो हमारे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मे बी फ्रॉम द थर्ड रिविजन डू दैट कटिंग, अभी से कर लो, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है. वरना हमें तो बहुत आदत थी कि देखते जाओ हमें वो तो होता वो है, रुका नहीं जाता था, तो हम देख वो होता ही है। लेते मैं बोलता हूँ बच्चों को इसलिए क्लास में भी कि कट कर दो भाई, जो तुमको ऐसा लग थे. रहा है ना भाई कि ये तुम्हारा देखा हुआ है और बहुत इजी है, तो उसके बाद में पॉइंट्स लिख दो, क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या कवर हुआ है, कौन सा कंसेप्ट कवर हुआ है, कट कर दो। सो देर बाद में तुम पढ़ो ही ना उसको, नहीं तो अगर कट नहीं किया ना तो देखने की ऐसी इच्छा होती है, एक बार देख लूँ क्या, देख लूँ क्या, देख लूँ क्या, ऐसा लगता है देख ही लेता हूँ, चलो एक बार फट से देख लेता हूँ, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है काफ़ी। ऑल्सो अगर आप आरटीपी, जैसे हम लोगों ने पहले आरटीपी कर रखा था तो लास्ट डे में हमें हेल्प हुआ था कि हमने जो मार्क कर रखा था, फिर वी ओनली डिड दोस थिंग्स. क्योंकि आप लास्ट डे सिर्फ आरटीपी नहीं कर सकते हो, आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी. तो हमने आरटीपी करा था और आई थिंक हमने लास्ट 4 अटेम्प्ट्स का ना एटलीस्ट आई थिंक आपने में से सब कुछ इनकलकेट कर रखा था अपनी बुक में, आपने इवन एमसीक्यूज भी इनकलकेट कर रखे थे. बट स्टिल हमने एक बार क्रॉस चेक करा था कि देख लेते हैं, देख तो लेते हैं, ऑलमोस्ट हमने ऐसे सर सारे ने कुछ छोड़ क्वेश्चंस तो नहीं कर दिया, कर सर ने कुछ छोड़ तो नहीं, देख लेते हैं, सर ने कुछ छोड़ तो नहीं सर. दिया। बट था मैं बोलते रही हूँ, आपने एमसीक्यूज भी इनकलकेट कर रखे थे अपनी बुक में, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी थी. बट स्टिल फॉर द सेफर साइड वी सॉ दैट. पर तुमको बता दूं बेटा, मेरे अभी जो नवंबर 24 की बुक जैसे बता रहा हूँ, बच्चों ये बच्चे बोल रहे हैं नवंबर 24 की क्वेश्चन बैंक जो बनाया ना अपन ने, उसमें मैं जो आपका मई 24 RTP गया, अभी मई 24 अटेम्प्ट गया, उसकी भी RTPs एंड MTPs हमने पूरी इनकलकेट कर दी अब, तो कुछ मिस नहीं करोगे आप, ये पॉइंट है। नवंबर 23 का पेपर आपके उसमें नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी बुक्स बनी तब तक सजेशन आंसर नहीं आया था, वैसे ही अभी जो बुक्स बनी उसमें मई 24 के क्वेश्चन पेपर्स के आंसर मतलब क्वेश्चन नहीं है, क्यों, क्योंकि सजेशन नहीं आया अभी तक, तो बस वो एक आपको करना पड़ता है, एंड जिस अटेम्प्ट में आप हो उसकी RTPs करना पड़ता है, बाकी सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। इवन आई टेल यू, मैंने कंपेयर कराया था अपने स्टूडेंट से, तो मार्केट में जितने क्वेश्चन बैंक्स हैं उनसे 100 क्वेश्चन ज़्यादा है अपने क्वेश्चन बैंक में, वी हैव 600 क्वेश्चंस, राइट। आप कुछ कुछ क्वेश्चन जाते थे वो मेरे क्वेश्चन बैंक में नहीं होते थे, तो मेरे को बहुत फोम हो जाता था. तो फिर मैंने जब इस बार करा ना, तो आई टोल्ड अंशिका दैट थिंग कि सर हैज मोर क्वेश्चन, तो वो बहुत एक्सटेंसिव आपने कवरेज कर रखी है क्वेश्चन बैंक में. मैं किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन छोड़ता भी नहीं हूँ, अगर एमबीगस भी ना, ऐसे ना एमबीगस भी किया है क्वेश्चन तो मैं नहीं छोड़ता, मैं बोलता हूँ एमबीगस है, तुम कंसेप्ट पता है, पर क्वेश्चन आईसीए ने ऐसा करवाया एक बार, ऐसा किया आईसीए ने, तो वो करवा के, जैसे एक सरचार्ज वाला क्वेश्चन है तुमको याद होगा, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में वो जो रीट का हाँ क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी उसने आई गेस कुछ तो करा था. हाँ तो वो उसमें एनआर एक्सेशन में मुझे कम से कम नहीं तो भी 100 200 बच्चों डाउट पूछते हैं हर बार उस चीज़ पे, क्लास में बताता हूँ फिर भी, क्लास में रिविजन वीडियो में सब जगह बताता हूँ फिर भी पूछते हैं, फिर भी मैं वो क्वेश्चन हटाता नहीं, मेरे लिए क्या इजी है पता है, मैं क्वेश्चन हटा दूँ खुद से, राइट, मैं डिलीट कर दूंगा ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कम जगह फर्क थोड़ी पड़ेगा, बट आई वॉन्ट कि मैं एक भी क्वेश्चन हटाऊँ नहीं उसमें से, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी रिलेवेंट है आपके लिए, एम्बिगुअस भी तो बताऊँ, आईसीए ने एम्बिगुअस किया, आईसीए ने ये गलती एक बार की है, आईसीए ऐसा करता है, तो सर, अगर इसका एग्जांपल वो DTAA वाला है, वो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसमें आप कह रहे थे ऐसे ऐसे करता है ऐसे करना है. तो इट्स लाइक कि आपने समझाया हमें, बताया कि ये मेथड माइट बी नॉट वेरी कन्विंसिंग, बट इसको रेफर करके जाना है, मतलब ये तो मुझे याद है. वही तो अपन वो करते हैं। सो नाइस, आप लोगों से दोनों से बात करके बहुत मजा आया, बहुत ही सर मजा मुझे आया। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं. हाँ अरे अरे मैडम करिए करिए बोलिए। सर जो अभी महक अपनी स्ट्रैटेजी बता रही थी उसने एक पॉइंट मिस करा है खुद का. सर ये इंसान जो है वो 2 घंटे सो के एग्जाम देती थी, 2 घंटे और कभी कभी 1 घंटे. सो मेरा क्या होता था, मेरा तो कट ऑफ होता था कि एग्जाम के एक दिन पहले मुझे मैक्सिमम 3 बजे तक सो जाना है, या फिर मेरे को बेयर मिनिमम 6 घंटे या 5 घंटे की नींद चाहिए. सर 1 घंटे सो के जाती थी एग्जाम में, मतलब इसलिए 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसा मेरे मम्मी पापा कंसर्न हो जाते थे कि वो क्या कर रही है, सो क्यों नहीं रही है. तो मेरे को आंटी अंकल बोल रहे होते थे तुम सोते क्यों नहीं हो, तुम क्यों नहीं कर रहे. फिर कभी इसलिए पापा इसको कॉल कर रहे होते थे कि ये सो उठ नहीं रही है, सो उठाओ, क्योंकि मैं तो सोती उस टाइम पर थी. तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बच्चों,
ये खुद का कॉल है उनका, और उसने कैसे क्या क्या है पता नहीं, बट ऐसे नहीं जाना पेपर में 3 4 घंटे 5 घंटे की नींद लेके जाना, क्योंकि यू नीड प्रेजेंस ऑफ माइंड देयर। अब वो कुछ बच्चों का होता है वो कर लेते हैं ठीक है, बट आई वोंट सजेस्ट दिस ठीक है। सो वेरी नाइस, वन लास्ट पॉइंट, आप कुछ बोलना चाहते हो बच्चों को अगर, तो आपसे बात करके बहुत मज़ा आया हमको, मतलब बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले, और एक बात समझ में आई कि यार हम लोग अपनी फ्रेंडशिप्स को यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे चीज़ के लिए, मतलब हम लोग साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं ठीक है। टुगेदर वी कैन डू वंडरफुल थिंग्स एंड नाइस। आप कुछ बोलना चाहते हो, लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो बता दो। बैग विल गो फर्स्ट। तो मैं बोल रही हूँ आपको, मैं क्या ही बोलूँ। तो आई थिंक सर कुछ लास्ट पॉइंटर्स इज, फर्स्टली वी रोट अ मॉक एज वेल, लाइक डू राइट वन मॉक टेस्ट पेपर, बिकॉज इट वुड लाइक आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ द लैंग्वेज आई एम गोइंग टू राइट इन अ पेपर। मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज इट इज ऑल्सो टेक्निकल, लॉ ही है अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ द डे ना। तो एटलीस्ट एक मॉक लिखो सो दैट तुम्हारा स्पीड भी टेस्ट हो जाए और तुम्हारा टेस्ट हो जाए कि तुम्हें वो कितना मतलब कितनी देर में तुम कर पा रहे हो। तो वो वन थिंग विच रियली हेल्प। एंड सेकेंड इज डू क्यूमुलेटिवली डीटी, मतलब डेली करो डीटी, ऐसा छोड़ो मत डीटी को। बिकॉज हम मतलब जैसे होता था कि अगर सपोज एक दिन आपकी मतलब आपकी कुछ पढ़ाई भी नहीं हो रही है, तब भी वी यूज टू वॉच योर वीडियोज एटलीस्ट। सो देर वॉज नो डे वी लेफ्ट डीटी, बिकॉज डीटी रिक्वायर्स दैट मच ऑफ अटेंशन। तो एक वो चीज भी करनी चाहिए। एंड थर्डली इज दैट आई थिंक इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब मेरे को लगता है दैट इफ यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू डू एनीथिंग, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल दैट हाउ योर सराउंडिंग आर, राइट? सो आई थिंक वी वर वेरी ब्लेस्ड इनफ, टच वुड, विद ऐसा एक्सट्रीमली सपोर्टिव पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स जिन्होंने हमें करेक्ट। बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो वो चाहे मेरे मॉम डैड हो या फिर अंकल आंटी हो, तो और या फिर हम दोनों, तो वी वर वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर कि नहीं सबसे पहले एग्जाम्स और कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ी लड़ाई तो होती रहती है, उसको अगर साइड रख दिया जाए तो सर वो मुझे ही पता है कि उसको, वो थोड़ा कितना होता है। ठीक तो अगर उसको साइड रख दिया जाए तो आई थिंक योर कंपनी ऑल्सो रियली मैटर्स, हाउ यू मेक फ्रेंड्स एंड यू नो हाउ सपोर्टिव योर सराउंडिंग्स आर। तो ऑलवेज मतलब ये एक्चुअली बच्चों के लिए नहीं है, ये उनके जो समबडी एल्स हु आर लिसनिंग टू दैट दैट मेक देयर लाइफ इजियर एज वेल। सी ये वैसे ही बहुत ऐसा कोर्स है दैट इट हैज द कैपेसिटी टू पुट यू इन टू डिप्रेशन, स्पेशली इफ यू हैव अटेम्प्ट ना, तो वो बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है टू जम्प अप और फिर से सब चीजें करना। मुझे पता है मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था कि मैं फिर से वही बुक्स पढ़ रही हूँ, मतलब मैंने आपकी न्यू बुक्स भी मंगवाई थी, बट द पॉइंट इज टू रीड इट ऑल ओवर अगेन, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो आई थिंक यू शुड हैव दोज काइंड ऑफ कंपनी एज वेल। बस ओके अंशिका, तो आई गेस हमारा पढ़ाई के फ्रंट पे तो हमने काफी चीजें बात कर ली है। समथिंग विच प्लेज एन इक्वल रोल, और मुझे लगता है हो सकता है इक्वल से भी ज्यादा रोल, वॉज माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर। सो इट्स लाइक आई हैव बिन ब्लेस्ड विद सच अ फैमिली कि मेरे को ना ऐसे समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी दैट आई एम नॉट इन अ गुड मूड या फिर मेरे को सपोर्ट चाहिए। सर इट वॉज लाइक कि देवर 24/7 अवेलेबल फॉर मी, और मेरे को लगता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब नो मैटर हाउ मच यू से दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट सीए इज अ कोर्स जो कि आपको दिखा देता है कि यू नीड नीड समबडी हु इज कॉन्स्टेंटली देयर टू सपोर्ट यू एंड टू बी द योर बैक। मैं हूँ यहाँ पे, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो मेरे साथ ये चीज बहुत अच्छी थी, मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई। सर आपको पता है, सो माई ब्रदर लिव्स इन डेली, मैंने उसको आईबीएस के एग्जाम के सुबह बुलाया था, पहले भी नहीं बुलाया था कि मेरा टाइम नहीं वेस्ट होगा। मैंने उसको सुबह बुलाया था बैग उठाने के लिए, क्योंकि दो बैग था कौन उठाएगा। तो मैंने उसको बोला था तू तो दिल्ली से आ मेरा बैग उठा के मेरे को एग्जाम सेंटर में छोड़। एंड सर टच वुड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सच अ गुड फैमिली क्या कि बात। दे वर लाइक, वो हर दिन कॉल करता था कुली बनने कब आना है मुझे, कुली बनने कब आना है। इट्स लाइक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर। मतलब लोगों को नहीं समझ में आता होगा बट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। एंड मैंने महक का तो बताया, मैं किसी के साथ टच में नहीं थी, मतलब इस वक्त लाइक मैं केवल महक से बात करती थी। तो मतलब शी ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई मार्क्स। तो इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू हैव गुड इन्वायरमेंट, गुड सराउंडिंग अराउंड यू। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या बात है, वेरी मतलब नाइस। सर दैट फैमिली सपोर्ट विच अंशिका सेड ना, दैट इज एक्चुअली सो इम्पोर्टेंट। मतलब आई वाज आल्सो लिविंग विद माय डैड एट दैट टाइम। सो मतलब माय डैड इज पोस्टेड इन पंजाब राइट नाउ, सो आई वाज लिविंग देयर। तो उस टाइम मतलब हम दोनों ही फेयर बहुत ज्यादा काम होता था। एंड देयर वाज दिस वन मंथ व्हेन द मेड आल्सो लेफ्ट, द कुक आल्सो लेफ्ट, दैट दे हैड टू गो समवेयर। लाइक तो आई थिंक माय डैड डिड ऑल द वर्क, लाइक ही लर्न हाउ टू कुक एट दैट टाइम। और मुझे तब समझ आया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते सही हैं। बात है, तो ट्रू। मतलब मुझे लग रहा है कि वही जैसे अंशिका बोल रही है ना, हम मतलब वी आर एक्चुअली वेरी पैम्पर्ड किड। मतलब हमें तो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैंने कब अपना एक पानी का बॉटल भी खुद भरा होगा।
मतलब पापा यूज टू मेक ऐसा एवरी अरेंजमेंट, कि पापा मम्मी मतलब दे बोथ एंड दे सपोर्टेड इतना ज्यादा ना, तो आई थिंक फैमिली एंड ऐसा सिस्टर ब्रदर मतलब दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और सर इन दी लास्ट ना, जैसे जो आप बोलते हो ना दैट सब कर लेंगे, वी आई एक्चुअली हैड दैट स्टिकी नोट्स पे लिखा हुआ इन माई बैक ऑफ द बेड एट दैट टाइम, तो मैंने वो लिखा हुआ था सब कर लेंगे टीम. तो आई थिंक दैट एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो इम्पैक्ट जो होता है ना, एंड जो आपने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था दैट हूएवर यू आर टुडे फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर यू शुड बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो आई थिंक वी फॉलो दैट थिंग, मतलब वी आर स्टिल डूइंग दैट. मतलब तो वो मेरा टू डू लिस्ट बन गया था, कि जो सर ने बोला ना कि बिल्कुल रीवैम्प होना है इस साल में, तो दिस वॉज जस्ट दी पार्ट ऑफ द प्लान. सो मतलब थैंक यू सो मच, मतलब यू डोंट नो हाउ मच लाइफ यू टच एंड आपके क्लासेस से एंड द वे यू टीच द वे यू मोटिवेट, मतलब एक ऑरा होता है एक इंसान का, तो यू हैड दैट सच अ पॉजिटिव ऑरा. तो मुझे कभी कभी मैं ऐसा डाउन होती थी ना, तो भी मैं करती थी कि चलो ठीक है डीटी की क्लास ही देख लेती हूँ, एटलीस्ट एक थोड़ा सा अपलिफ्ट ही हो जाएगा मूड, कहीं ना कहीं से मूड तो अपलिफ्ट डेफिनेटली हो जाएगा. सो दैट प्लेड अ मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, थैंक यू माइक, थैंक यू सो मच. क्योंकि उसके करिकुलम में मोटिवेशन पे तो होता था ना, और वो जो आप छोटे छोटे वीडियोस भी डालते थे, इट्स लाइक कभी भी डाउन फील हो तो फिर जस्ट गो थ्रू दोस वीडियोस दोस शॉर्ट्स, इट वर्क्ड वेरी वेल फॉर अस. ग्रेट ग्रेट. सो थैंक यू महक, थैंक यू अंशिका, थैंक यू फॉर स्टडिंग फ्रॉम मी. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जैसे स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत करते हो मुझसे पढ़ते हो आके, तो सो दैट ये तुम्हारे मार्क्स है, मेरा मुझे लगता नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन, मुझे लगता है 10-15% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, बाकी तुम्हारी मेहनत है जो तुमको यहाँ तक लेके आई है. ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है जैसे आप लोग जो स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत करके ये मार्क्स लेके आते हो, और मतलब यू हैव स्टोरीज टू टेल टू पीपल, और आपकी स्टोरीज यहाँ तक लाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है, आप दोनों अब CA बन गए हो, 2024 तुम्हारा साल बन गया है, मेक दिस योर ईयर. ठीक है, मैं बोलता हूँ हमेशा बच्चों को मेक दिस योर ईयर, एंड एक अलग वर्जन बनो अपना, एंड यू विल बी अ डिफरेंट वर्जन. मतलब तुम अगर एक साल मेहनत कर लोगे ना खुद पे, तो जो तुम्हारा कमबैक आएगा और जो तुम बनोगे फिर वो अलग ही होगे तुम. ठीक है, चलो. एक सो चीज मुझे बोलना था, आपने जो अभी कंक्लूजन दिया अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में, आई एम तो नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद इट, और मैं उसको सेम आपको सेम. कंक्लूड करने भी नहीं दूंगी. अगर मुझे थोड़ा सा ब्रीफिंग देना हो रैंकिंग वाइज, तो इट्स लाइक पेरेंट्स, देन फैकल्टी, देन फ्रेंड्स, एंड देन कम्स बचा खुचा की जो बच्चा खुद मेहनत कर रहा है, एंड दिस इज वॉट आई बिलीव. और ये एक्चुअल में मेरे साथ तो बहुत ही फॉलो होता है कि दिस इज वॉट द रैंकिंग इज इन केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. तो 10% 15% पे तो नहीं मान रही सर मैं आपके कॉन्ट्रीब्यूशन को, अब आप देख लो अपना. सर मतलब वी ओ अलॉट टू यू, बिकॉज आपने द वे यू हैव डिजाइंड योर बुक्स, आपने जो वो स्ट्रक्चर बना रखा है, मतलब आपने जितनी मेहनत करी है ना उतनी हमारी मेहनत कम हुई है. तो वो बुक्स पढ़कर वो इतना जो ईज ऑफ माइंड होता है विद योर क्वेश्चन बैंक्स ऑल्सो, आई रिमेंबर दिस वन चैप्टर वेरियस एंटिटीज का, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन मिक्स कर रखे जस्ट टू हमारा वो रिविजन हो. तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप करते हो ना, तो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो वो 10% नहीं होता, मतलब वी ओ इट ऑल टू यू गाइज. तो वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, उसका तो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ इट. थैंक क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू. बहुत अच्छा लगा मुझे, यू सो आज मच बहुत सर, अच्छा दिन है थैंक मेरे लिए. यू. थैंक यू. सो अंशिका महक, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए. आप लोग CA बन गए अभी, आई नो आप तब बिजी हो गए हो, पर थैंक यू टाइम निकालने के लिए. एंड जो बच्चे ये देख रहे हैं, आई होप आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आओ. ठीक है, आप या तो अकेले आओ, अपने दोस्त साथ आओ, पर आओ ज़रूर. ठीक है, मेहनत करो, बी यर एंड खूब मेहनत करो, यू ऑल्सो कैन पास. ठीक है, और 70-80 लाना मुश्किल नहीं है. ऐसे लोगों को देख के पता चलता है, ऐसे स्टूडेंट्स को देख के जिनके पहले कम मार्क्स आए हैं, जिन्होंने खुद ने मेहनत करके, और जो ऐसे बहुत नहीं रैंकर ही है, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं. ठीक है, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको. ठीक है, थैंक एंड वीडियो को लाइक कर दो बेटा जो भी वीडियो देख रहे हैं, एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय. यू, बाय सर.